हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 3 जून 2019 के MCQs करंट अफेयर्स के हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ राजस्थान जी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, इंडियन नेवी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अतुल कुमार जैन, ऑप्शन बी सुनील लांबा, ऑप्शन सी करमबीर सिंह, ऑप्शन डी बिमल वर्मा। और साथियों, इसका सही उत्तर है करमबीर सिंह। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज प्रेजेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेल बीइंग बजट। किसे देश ने दुनिया का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। और साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी। किसे कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है? ऑप्शन ए सचिन पायलट, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी दिग्विजय सिंह। और इसका सही उत्तर है बी सोनिया गांधी। साथियों, 30 मई 2019 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। उन्हें 23 मई को हुई गणना में, जो मतों की गणना हुई थी लोकसभा चुनाव की, उसमें सर्वाधिक सीटें मिली और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी को, जो कि जानी मानी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी थी, उसे इस लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में के लोकसभा चुनाव में मात्र 52 सीटें मिली। तो कांग्रेस पार्टी की जो संसदीय दल है, यानी कि पार्लियामेंट्री जो पार्टी है, उसके लिए संसदीय दल का नेता जो चुना गया है, वो चुना गया है सोनिया गांधी, जो कि अपोजिशन में बैठेगी, सरकार में अपोजिशन में रहेगी। और मेन जो पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका संगठक है NDA। तो NDA में जो टोटल है वह जो विधायक है 352, उन्होंने मिलकर एक सरकार बनाई है, जो NDA की सरकार है। तो साथियों, ये था आज के हमारे मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।